ज्योमेट्री हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना, 8th जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, तो उसको पढ़ने के लिए जो उसका बेस हमको पढ़ना है, त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए हमको पहले समझना ज़रूरी है पाइथागोरस प्रमेय को, ठीक है। तो त्रिकोणमिति हमारे जब तक बिल्कुल भी समझ में नहीं आ सकती जब तक हमको पाइथागोरस प्रमेय नहीं आएगी, तो इसलिए त्रिकोणमिति हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले इस थ्योरम को हमको पढ़ना है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना, पाइथागोरस प्रमेय। ये प्रमेय लगती कहाँ है वो हम देखेंगे, यूज़ क्या है इस प्रमेय का, और ये प्रमेय त्रिकोणमिति में कैसे यूज़ होगी वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये पाइथागोरस प्रमेय एक त्रिभुज में अप्लाई होती है। त्रिभुज कौन सा? एक स्पेशल त्रिभुज है ये वाला, अगर इसका नाम जानते हैं तो ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। ये जो प्रमेय है वो इसी त्रिभुज के अंदर अप्लाई होती है। ये त्रिभुज है, इसका हम नाम देते थे ए बी और सी। ये बी जो बिंदु है इस पर ये कोण है, ये 90 डिग्री का निशान है, एक कोण 90 डिग्री, इसलिए इस ये जो त्रिभुज है वो है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये प्रमेय अप्लाई होती है, ठीक है। अब अप्लाई होती कैसी है, पहले हम इसका थोड़ा सा परिचय पढ़ते हैं कि ये त्रिभुज क्या है। समकोण त्रिभुज है, नाम हमने पढ़ लिया कि एक कोण इसके अंदर समकोण होता है और बाकी के जो दो कोण है ये दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटे कोण, ठीक है। एक कोण 90 डिग्री होगा। अब ये इनकी भुजाएं हैं, ये तीनों भुजाएं हैं इस त्रिभुज की। इन भुजाओं के नाम होते हैं, नाम कैसे कैसे। ये समकोण त्रिभुज है, जहाँ पर समकोण बनता है समकोण के जस्ट सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण, इस भुजा को कहते हैं कर्ण, ठीक है। ये आधार वाली भुजा है जिस पर यह समकोण त्रिभुज बना हुआ है, तो जो आधार वाली भुजा होती है इसका नाम भी होता है आधार, ठीक है। और ये जो बची हुई भुजा है लंबवत, इसको इसका जो नाम है वो है लंब। तो इस तरह से ये तीन भुजाएं हैं, जो आधार है ये हॉरिजेंटल जो लाइन होती है इस भुजा को कहते हैं आधार, ये लंबवत जो लाइन है इसको कहते हैं लंब, और समकोण के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है उसको कहते हैं कर्ण। तो ये तो हो गया इस त्रिभुज का परिचय। इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हैं, चाहो तो लिख सकते हो कि ये त्रिभुज है, इसी में लिख लो चाहे, ये है बेस इसका। रोको, इंग्लिश में इसको इनको लिखते हैं, ये जो भुजा है आधार इसको कहते हैं बेस, ये लंब जो भुजा है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, और कर्ण ये होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। तो इस तरह से ये जो समकोण त्रिभुज है इसके नाम है ये कि ये हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर, या हिंदी में आधार, लंब और कर्ण, ठीक है। इस तरह ये समकोण त्रिभुज का परिचय हो गया। अब इस समकोण त्रिभुज में ये प्रमेय अप्लाई होती है, पाइथागोरस प्रमेय। तो प्रमेय क्या है इसको लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार इस भुजा का जो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर या कर्ण का वर्ग, पहली बात ये कि ये जो भुजा होती है हाइपोटेनस, ये इन दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। इस समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो इसका जो वर्ग होता है वो आधार के वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का भी वर्ग, आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है कर्ण का वर्ग। सिर्फ ये स्टेटमेंट याद रखना है हमको, ये जो लाइन है ये हमारे काम आएगी, ये इस प्रमेय का स्टेटमेंट है, इसको स्टेटमेंट में चाहो लिख सकते हो, बाकी हमारे यही काम आएगी कि कर्ण का स्क्वायर
आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। ये हो गई पाइथागोरस प्रमेय। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कर्ण कौन सी भुजा है? एसी। तो एसी का स्क्वायर बराबर आधार कौन सी भुजा है? एबी। एबी का स्क्वायर और लंब जो भुजा है वो है बीसी। तो एसी का स्क्वायर एबी के स्क्वायर और प्लस बीसी के स्क्वायर के बराबर होता है। इससे हम कर्ण निकाल सकते हैं, यानी कि एसी। एसी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? एसी भुजा, सबसे बड़ी वाली भुजा, यहाँ पर ये वर्ग है। जब हम सवाल करेंगे तो यहाँ पे इन सब की जगह संख्याएं आएंगी, किसी दो की जगह हमको संख्या मिलेगी और तीसरी भुजा हमको निकालनी होगी। जैसे किसी त्रिभुज में वो लंब दे देगा, आधार दे देगा और कर्ण हमको पता नहीं होगा, तो वो कहाँ से निकालेंगे? इस पाइथागोरस प्रमेय से। कहाँ लगानी है हमको? इस तरह से ये अप्लाई करनी है, इसके अंदर मान रख देंगे, जो दो चीज़ें दी हुई हैं वो इसके अंदर रख देंगे और बाकी की तीसरी चीज़ हम निकाल लेंगे उसके थ्रू। तो इस तरह ये वर्ग है, यहाँ से हमको प्राप्त होगा क्या? कर्ण का स्क्वायर। लेकिन जब हमको कर्ण चाहिए तो इसका हम क्या लगा देंगे? अंडर रूट, यानी कि ए बी के स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर का क्या लेना है हमको? अंडर रूट। तो हमारी भुजा आ जाएगी ये कर्ण या हाइपोटेनस। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है। इससे ये तीन टर्म है इस समकोण त्रिभुज के अंदर, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस। इन तीनों में से जब भी कोई एक टर्म हमको नहीं पता होगी तो वो टर्म हम इस प्रमेय से ज्ञात करेंगे, जो त्रिकोणमिति पूरी की पूरी इस त्रिभुज पे डिपेंड है। और इस त्रिभुज में जब तक हमको ये प्रमेय नहीं आएगी तब तक हम इसके अनुपात नहीं निकाल पाएंगे। तो ये बेस है त्रिकोणमिति का। तो ये हमको याद रखनी है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, बेस को बी, परपेंडिकुलर को पी और हाइपोटेनस को एच। ठीक है, और हिंदी में हम चाहे तो इसको शॉर्ट में एक एक अक्षर लिख के उस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। उससे पहले हमको ये याद करनी है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है।